यार। तो दोस्तों भाई साहब आए हैं बहुत ही लंबा सफर करके, जयपुर से निकले थे भाई साहब और जैसलमेर होकर कनोट माता जी के होकर अब जोधपुर से निकल रहे हैं वापस। बीच में डांगे आवाज में मिल गए हमको, बहुत ही गजब इनका सफर रहा है ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब जयपुर पहुँचेंगे मावा कैसा लगा आपको? ये डांगे आवाज का प्रसिद्ध मावा है भाई, ये मावा इधर खाया है बहुत ही अच्छा लगा है। डांगे आवाज लगभग 200 दुकानें हैं इस मावे की और 300 रुपये मात्र में प्योर मावा मिलता है और दूर दूर तक ये मावा बहुत फेमस है। आपको टेस्ट कैसा लगा, आप क्या कहना चाहोगे बताओ? ये दुकान भी मावा के साथ में रिधि सिधि शूट हो, मावे के साथ में चाय और चिप्स और नमकीन, ये इनका कॉम्बो है। और ये साथ साथ आप चिप्स से मावा लगा के खाओ, एक बार वो चिप्स लो और चिप्स से मावा लगा के खाओ, साथ में अलग ही टेस्ट आता है और भी टेस्ट है, मजा है। आप जब कभी भी, आप जो भी दर्शक देख रहे हैं कभी भी डांगे आवाज आओ तो आप ये मावा जरूर खाओ। रिद्धि सिद्धि स्वीट होम का स्पेशल मावा है, हालांकि सब जगह मावा बहुत ही अच्छा मिलता है डांगे आवाज में। आपको और बताएं सर, आपका ये कौन सा ट्रिप है और इसके बाद आपका और कहाँ प्लान जाने का? कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल पे, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये साइकिल का नाम देखो आप, बसंती, बहुत ही कमाल का ये नाम रखा है आपने। ये नाम क्यों, क्या सोच के रखा बसंती? बस ऐसे ही आइडिया। हाँ, और एक दिन में आप कितना ट्रैवल करते हो? 100 किलोमीटर। टेंट वेंट सब इनके साथ में है और मौसम भी अभी अच्छा चूज किया आपने, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। और एक दिन में 100 किलोमीटर चलाते हैं आप कश्मीर से कन्याकुमारी, लगभग कितना किलोमीटर है? 3000 किलोमीटर। तो आपको लगभग एक महीना आने में लग जाएगा? नहीं नहीं, एक साइड में मतलब एक महीने का सफर रहेगा उधर से। तो कब है आपका कश्मीर से कन्याकुमारी का प्लान? ये है लगभग एक महीने बाद में। आप कभी और डांगे आवाज आओ तो ज़रूर हमको याद ज़रूर करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा है।